छठे दीपोत्सव की तैयारी अंतिम दौर पर पहुंच गई है और इस बार के दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। कल शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। सबसे पहले वह भगवान राम जन्मभूमि जाएंगे, जहां भगवान का जो पूजन अर्चन है करेंगे, और उसके बाद जो है वहीं पर ही पहली दीपक जला करके दीपोत्सव का आगाज करेंगे और फिर राम मंदिर के निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक भी करेंगे और उसके बाद जो है राम कथा पार्क जाएंगे, जहां पर भगवान राम का राम राज अभिषेक करेंगे और उसके बाद एक बार फिर अयोध्या की राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन करके एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा, जहाँ पर राम की पैड़ी पर भाग लेंगे और उनके साथ में सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। और आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से राम की पैड़ी पर दीपक बिछा दिए गए हैं। ये दीपक लगभग 15 लाख दीपक हैं, जो अपने में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है, क्योंकि पिछले वर्ष 9.5 लाख दीपक जला करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया था, तो वहीं इस बार फिर अयोध्या की राम की पैड़ी पर 15 लाख दीपक बिछाए गए हैं, तो वहीं अयोध्या के मठ मंदिर कुंडों पर भी 2 लाख लगभग दीपक बिछाए गए हैं और चौराहों पर दीपक बिछाए गए हैं। ये कहें कि अयोध्या जो है पूरी दुल्हन की तरह सज कर संवर कर तैयार है, एक बार फिर अयोध्या त्रेता युग की अयोध्या बन करके तैयार हो गई है। बस अब इंतजार है अयोध्या और अयोध्यावासी का को कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचें और दीपोत्सव का आगाज करें। एक बार फिर अयोध्या त्रेता युग की अयोध्या दिखाई दे, जिसको देखने के लिए दूर दूर से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।